मीडिया बंधुओं, आज मैंने बीएसपी के यूपी के सभी 18 मंडलों के मुख्य इंचार्जों तथा 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की ये इकट्ठा अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और आज की इस बैठक में प्रत्येक जिलावार व उसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की सीटों की प्रदेश में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की पार्टी की तैयारी को लेकर सभी जरूरी पहलुओं पर गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल एक सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर पार्टी की चुनावों की तैयारी को लेकर आज विस्तार से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को तथा पार्टी के उम्मीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी की कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा और उनके जवाब व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है तो उसके बारे में भी आज इनको काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा, जिसे फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितेशी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ साथ विशेषकर कमजोर वर्गों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों के लिए भी जो अनेकों ऐतिहासिक व अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तो उन्हें प्रदेश की जनता अभी तक भी भूली नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही पार्टी के लोगों को
इस चुनाव में वोट मांगना है, ये भी इनको बताया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यूपी की जनता ने आज़ादी के बाद यहाँ शुरू में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी व बाद में सपा, बीजेपी एवं बीएसपी आदि का भी शासन काल देखा है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता अपनी पूरी ईमानदारी से ये बताए कि इन सभी पार्टियों के शासनकाल में से किस पार्टी का हर मामले में वह हर स्तर पर बेहतरीन शासनकाल रहा है। यह मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ। तो फिर प्रदेश की आम जनता एवं दबी जुबान में विरोधी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बेहतरीन शासनकाल रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता को अब मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने हित व कल्याण को ध्यान में रखकर वे इस चुनाव में किसी भी भावना में ना बहकर तथा इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के भी बहकावे में ना आकर बल्कि बीएसपी के ही रहे बेहतरीन शासनकाल को फिर से यहाँ सत्ता में वापस लाना है, जिसकी इस समय प्रदेश की जनता को काफ़ी सख्त ज़रूरत भी है। इसके अलावा बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है, वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई कई बार नहीं जाना पड़ता तथा ना ही इनको चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले यहाँ प्रदेश की जनता को व छात्रों आदि को भी किस्म किस्म के लालच आदि नहीं देने पड़ते। यदि यही स्थिति हमें काफ़ी कुछ सपा व अन्य विरोधी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये सब प्रदेश की जनता काफ़ी अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता अब इनके किसी भी प्रलोभन व हथकंडे आदि के बहकावे में आसानी से आने वाली नहीं है, बल्कि इस बार बीएसपी ही जरूर सत्ता में आने वाली है। और इसका मुझे अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं व छोटे बड़े पदाधिकारियों आदि पर पूरा भरोसा भी है, जो मेरे दिशा निर्देशन में अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी पोलिंग बूथों के क्षेत्र में वहां के लोगों को हर मामले में चुनावी तौर पर जागरूक करने में लगे हैं। वैसे भी अब प्रदेश की जनता वास्तव में यहां परिवर्तन चाहती है और अब वह बीएसपी को इस सत्ता में लाने का अपना काफ़ी कुछ मन बना चुकी है। इस उम्मीद व भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो कांग्रेस यही काम करती है, बीजेपी सेंटर में पावर में अब बीजेपी भी यही काम कर रही है, तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है, और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा, तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। मतलब
इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आप वो त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के लोग अपने अपने जिले में जब इनको उधर के जिला निर्वाचन अधिकारी बुलाते हैं तो अपनी त्रुटियां वहां पर ये रखते हैं। और इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि वोट को जो है आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात है, तो मैं इसके बारे में हमारी पार्टी का मत ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसको जल्दबाजी में पार्लियामेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में पास कराने से पहले या इसको बिल को पास कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खुली पहले बहस होनी चाहिए थी, और ये बहस नहीं हुई, जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है। तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये मामला अति गंभीर है। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। क्या 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 दोबारा रिपीट करो। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं बताना चाह रही हूँ कि उनका जो आरोप है तो वो जो आरोप लगा रहे तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और उनकी जो शिकायतें हैं स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए उसको दूर करना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप मेरे से सवाल पूछना। आपको बता दिया जाएगा, जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है, उनको बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं वो पावर में आए ना आए, बीजेपी को भी हो रही है, सपा भी सोच रही है, तो इसलिए ये बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। तो हमारी पार्टी के लोग अपने जमीन पे उधर जो है हर पोलिंग बूथ स्तर पर अपने काम में लगे हैं, और जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मैं मैदान में कब निकल रही हूँ। क्या क्या बोला, देखो इस संबंध में मैंने एक बार नहीं कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट को आगाह किया है और प्रेस में भी मैंने बोला है कि उनके मामले खत्म होने चाहिए और उन्होंने कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया था, अपने वो जायज मांगों को लेकर वो मैदान में उतरे थे, तो ये मामला लंबे अरसे से अटका पड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए और इस मामले को पार्लियामेंट में भी हमारी पार्टी ने इसको कई बार उठाया है।
बहन जी, लड़की की शादी की उम्र 21 साल सरकार ने कर दी है, ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इस पर बसपा का क्या? अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचा है।